हेलो एवरीवन, दिस इज रितिका एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गुड वाइब्स पपाया ब्राइटनिंग लाइट जेल क्रीम का रिव्यू। मैं बहुत सी क्रीम ट्राई करती रहती हूँ, कुछ क्रीम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती हैं और कुछ क्रीम मुझे बहुत पसंद आती है। तो ये क्रीम मुझे बहुत पसंद आई, मुझे लगा इसका रिव्यू आपके साथ शेयर करना चाहिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है पपाया ब्राइटनिंग जेल क्रीम। अब आप सोच रहे होंगे ये जेल है या क्रीम है, ये ना तो जेल फॉर्म में है ना ही क्रीम फॉर्म में है, ये जेल और क्रीम का एक मिक्सचर है। अब बात करते हैं इसकी पैकेजिंग की, तो गुड वाइब्स के जितनी भी क्रीम है और स्क्रब है वो इसी पैकेजिंग में आती है और इसकी कॉस्ट है 249 रुपीज़ और ये मुझे मिली थी 166 रुपीज़ में। गुड वाइब्स की ज़्यादातर प्रोडक्ट में ऑफर लगती रहती है, तो अब इसे ओपन करके देखते हैं। इसका नेट वेट है 50 ग्राम और इसके ऊपर मेंशन किया हुआ है नो पैराबेंस, नो सल्फेट्स, नो मिनरल ऑयल और नो एनिमल टेस्टेड। एक्चुअली बहुत ज़्यादा स्मॉल लेटर्स में लिखा है तो कैमरा उसे कैच नहीं कर पा रहा है। इसमें पपाया मिक्स है तो उसकी लाइट सी फ्रेग्रेंस आती रहती है, बहुत अच्छी खुशबू आती है इसकी। पपाया से स्किन को नरिशमेंट मिलता रहता है, स्किन अच्छे से हाइड्रेट रहती है। ये बहुत ज़्यादा लाइट है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने अपने फेस पर कोई क्रीम लगाई है, इतने अच्छे से ये स्किन के अंदर चली जाती है। डिफरेंस आप खुद देख सकते हैं, जिस पर क्रीम अप्लाई किया था वो कितना सॉफ्ट हो गया है और शाइन भी लग रही है और दूसरे हाथ में कितनी ज़्यादा ड्राइनेस लग रही है। कुछ क्रीम आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा चिपचिपी होती है, स्टिकी होती है और कुछ क्रीम तो ऐसी होती है लगाने के बाद चेहरा बहुत ज़्यादा काला नज़र आता है। एक्चुअली मेरे पास एक ऐसी क्रीम थी निविया की, ब्लू कलर का जिसका ढक्कन होता है, मतलब पूरा डब्बी ब्लू कलर की होती है और वो ऑल सीजन के लिए होती है, बट वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो बहुत ज़्यादा स्टिकी थी और बहुत ज़्यादा चेहरा उसे काला नज़र आता था। और गुड वाइब्स की कोकोनट क्रीम है वो भी स्टिकी है, बट उसमें काला चेहरा नहीं होता लेकिन वो स्टिकी रहती है, तो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। इसे मैंने ट्राई किया 1 वीक, ये मुझे बहुत अच्छी लगी और बहुत ज़्यादा लाइट है लगाने में और बहुत जल्दी स्किन में ऑब्जर्व हो जाती है और ये ड्राई स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा स्किन को हाइड्रेट करके रखती है, मॉइस्चराइज करके रखती है, तो बहुत अच्छी क्रीम है। और मुझे लगता है कि इस क्रीम को हम 12 महीने यूज़ कर सकते हैं, हर सीज़न के लिए ये बेस्ट है और हर स्किन टाइप के लिए ये बेस्ट है। अगर आपकी स्किन ऑयली है, ड्राई है, नॉर्मल है, हर स्किन के ऊपर ये जाएगी, मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। इसे डेली यूज़ कर सकते हैं और इसे लगाने के बाद बिल्कुल आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ चिपचिपा है, बहुत अच्छे से ये स्किन में ऑब्जर्व होती है और इसे लगाने के बाद चेहरे पर बहुत ज़्यादा ग्लो भी नज़र आता है, कि मतलब बहुत शाइन दिखती है फेस पर। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसे किस तरह से यूज़ करना है। सबसे पहले अपने फेस को वॉश कर लें, इसके बाद आप कोई भी टोनर लगाएं जो भी आप यूज़ करते हैं, उसके बाद आप इस क्रीम को यूज़ करें। थोड़ी सी आपको ये क्रीम लेनी है, अपने फेस पर अच्छे से इसे मसाज करना है 2 मिनट तक। आप कोई भी क्रीम यूज़ करते हो उसे 2 मिनट तक अपने फेस पर मसाज करें ताकि वो जो क्रीम है अच्छे से आपकी स्किन के अंदर चली जाए और स्किन को अच्छे से हाइड्रेट कर दे, मॉइस्चराइज कर दे। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।